सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की परिचर्चा की हम शुरुआत करते हैं और आज का जो मुद्दा है वो है कि महामारियों के दौर में, इस जो महामारी COVID-19 का जो दौर है, इस दौर में हमारे सामने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से किस प्रकार की चुनौतियां हैं। तो यही हमारा मुख्य मुद्दा है। हम इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में हमारे सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं इन तीनों फ्रंट के ऊपर। तो अगर हम देखें और थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ये जो तीनों बातें मैं कह रहा हूँ, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ये कोई अलग अलग या इनको एक आइसोलेशन में देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। इन तीनों का आपस में सीधा सीधा रिलेशनशिप है। आज के समय में हम देखें तो हमारे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं समाज में, वो किसी ना किसी प्रकार से एक आर्थिक या यूं कहें जीविका उपार्जन जो हम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप में धन उपार्जन से जुड़ी हुई है। तो समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें आर्थिक स्थितियां, दूसरा उस सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर में जो हमारे ओवरऑल समाज या देश का स्ट्रक्चर देखें राजनीतिक स्तर पर, वो भी उसी का पार्ट है। तो राजनीतिक स्ट्रक्चर में हम देखें तो हम ये बात कर सकते हैं कि राजनीतिक स्ट्रक्चर है क्या। तो राजनीतिक स्ट्रक्चर में हम चाहे हमारे छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर देखें, देश के स्तर पर देखें या राज्य के स्तर पर देखें, तो एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक कोई ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे तरीके खोजने की कोशिश करते हैं डिस्कोर्स से जिसमें सबका भला हो पाए। तो ये एक सेंस है पॉलिटिक्स का, जिसको हम पॉलिटिकल नैरेटिव भी कहते हैं, जिसमें सभी विचारों को लेते हुए कॉमन एग्रीमेंट कैसे बनाया जाए। और इसका परिष्कृत रूप फिर हमें डेमोक्रेसी में दिखाई देता है। जो हमारा लोकतंत्र है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से काम करता है। तो ये तीनों के तीनों की आपस में डिपेंडेंसी है और यही तय करती है कि हमारे समाज की, हमारे देश की दिशा क्या होगी। और समाज के लोग चूंकि उसका पार्ट हैं तो उनके ऊपर इन जो नियम कायदों का या उनके लिए जो बातें तय की जाती है उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हम राजनीतिक रूप से अभी के दौर में जो प्रमुख घटनाएं घट रही हैं हमारे सामने, उसका एक उदाहरण लेते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक रूप से चीजें हम लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो हम, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस समय पर पूरे दुनिया के अंदर अगर देशों के बातचीत का हम विश्लेषण करें तो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देश एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप चाइना अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि उसने अपने यहाँ ढंग से काम नहीं किया, इसलिए ये महामारी उसके देश में बहुत ज़्यादा फैल गई और उसे अपनी चिंता करनी चाहिए, रेदर देन ये कहने के कि ये एक चाइनीज़ वायरस है या वुहान वायरस है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देश एक दूसरे पे आरोप या प्रत्यारोप जैसी चीज़ें शामिल हैं। और होता क्या है इस आरोप प्रत्यारोप में कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी संस्था है जो इस महामारी के दौर में बहुत प्रोमिनेंटली या बहुत हमारे सामने आ जाता है, जिसका रोल, जिसके बारे में हमने शायद नाम भी नहीं सुना हो कभी, या सुना भी है तो हम उसके काम के बारे में बहुत नहीं जान पाते, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो अब WHO भी इस तरीके के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाता है जब उसका रोल, इन देशों का तो रोल है ही है, WHO का रोल भी बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है इस सेंस में कि पूरी दुनिया के लिए वो हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी का काम करता है और निगरानी में वो हमेशा एडवाइजरीज जारी करता है कि जो दुनिया के अंदर स्वास्थ्य के सामने जो चैलेंजेस उपस्थित हैं, यानी पब्लिक हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करें,
देशों को अवेयर करे और वो एडवाइजरी जारी करता है। तो इस केस में भी वो महामारियों के दौर में पहले भी एडवाइजरीज देता रहा है और इस बार भी उसने एडवाइजरीज जारी की है, लेकिन इस बार उसकी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। तो ये उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं कि तब हम ये समझ पाए कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इस महामारी के दौर में जब लोगों को एक साथ आना चाहिए, ना केवल एक समाज के, एक देश के, बल्कि पूरे विश्व को, क्योंकि ये बीमारी अब आप और हमारे तक सीमित नहीं है। ये समस्या आपकी और मेरे समाज की नहीं है, एक से दूसरे राज्य की नहीं है, एक देश की नहीं है, पूरे विश्व के सामने एक समस्या के रूप में उपस्थित है। और अगर सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो इस बीमारी से पार भी नहीं पा पाएंगे। तो विश्लेषण में ये चीज़ें भी आती हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में किस तरीके से लोगों का इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गया है कि बीमारियाँ या महामारियों की संभावना आज के समय में बढ़ गई है। और जब ये चुनौतियां बढ़ गई हैं तो सब लोगों को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा, नहीं इस पे पार नहीं पा पाएंगे। इसी संदर्भ में अगर इस WHO के उदाहरण को हम आगे बढ़ाएं तो ये समझ में आता है कि इसको संदेह के घेरे में क्यों रखा जा रहा है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि तीन चार चीज़ें हैं। उसकी जो कार्यप्रणाली को संदेह की नज़र से इसलिए देखा जा रहा है कि जब जब उसने एडवाइजरीज जारी की हैं उसके बाद से महामारी को घोषित करने में, जैसे कि आप देखेंगे चाइना में 31 दिसंबर के आसपास पहले केस रिपोर्ट हो गए थे, लेकिन इसको महामारी घोषित करने में लगभग 2 महीने का समय लगा और 11 मार्च को इसको महामारी घोषित किया गया। तो आप देखिए कि इतना लंबा समय एक बहुत बड़ा समय है जब जब कोई भी इस तरीके की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है वो पूरी दुनिया में फैल सकती है। और यही तो WHO का काम है कि वो इस तरीके की निगरानी की संस्था है जो पूरी दुनिया को एडवाइजरी दे। चाहे आपने अभी नाम सुने होंगे, जैसे SARS फैला था 2002 में, आपके सामने नाम आया होगा, या MERS नाम की बीमारी 2012 में आई। तो इस तरीके की चेतावनियां WHO ने पहले भी जारी की हैं और उन बीमारियों को जिस जगह पे उनका फैलाव रिपोर्ट किया गया या पहचाना गया वहीं पे रोक दिया गया, लेकिन इस बार ऐसी संभावना नहीं हुई और ये पूरी दुनिया में फैल गया। तो एक एक स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप इसको जाकर के जांच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं ये आरोप प्रत्यारोप जो है ये क्या कितना इसका सटीकता है, क्या वाकई में उसको संदेह के घेरे से देखा जाए। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस बार एडवाइजरीज जारी करने में उससे चूक हुई है और ये चूक आप पता कर सकते हैं कि कैसे हुई है, क्योंकि उनका जो डेली ब्रीफिंग होता है WHO का, तो आप उसमें पाएंगे कि शुरुआत में जब केसेस रिपोर्टेड हुए तो उन्होंने माना कि इसका ह्यूमन से ह्यूमन कोई कांटेक्ट नहीं होता है, यानी कि इंसान से इंसान में संपर्क आने से बीमारी नहीं फैलती है, जबकि बाद में जाके इस बात को डिनाई किया गया। तो जो जानकार लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर इतनी बड़ी जिम्मेदार संस्था है उस तरीके को इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं जारी करना चाहिए था। अगर उसको कुछ डाउट था तो उसको वेट करना चाहिए था, बिना पुख्ता जानकारी के अधूरी जानकारी उसे नहीं देनी चाहिए थी। और जबकि वास्तव में ये बाद में साबित हो गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से फैलता है और जो आप जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं ये सबसे बड़ा उदाहरण उसी का है। और अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है तो आप देखेंगे कि उस समय जो आवश्यक कदम देशों को उठाने चाहिए थे, चाहे वो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लें हम, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज हम इतने एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकता है और 15-18 घंटे में वो व्यक्ति एक जगह से दुनिया के किसी कोने में भी पहुंच सकता है। तो मान लीजिए कि मैं ही हूं और मैं मान लीजिए जयपुर एयरपोर्ट पे कहीं जाने के लिए खड़ा हूं, बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं फ्लाइट में बोर्डिंग करने के लिए, मैं कितने लोगों से वहां पे संपर्क में आ रहा हूं और वो फिर लोग दूसरी जगह पे, दूसरे एयरपोर्ट पे कितनी जगहों पे जाएंगे और कितने लोगों के संपर्क में आएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल नहीं है समझना आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में कि एक महामारी का फैलाव जो है आज जिसको हम 21st सेंचुरी कह रहे हैं उसमें बड़ा रैपिड है
और आप अगर आपने अध्ययन किया होगा तो आपने ये पाया होगा कि महामारियां हमारे साथ आज के समय से नहीं है, पुराने समय से हमारे साथ मौजूद हैं। उनका स्वरूप बदल रहा है और उनकी चुनौतियां बदल रही हैं। तो अगर हम WHO जैसे संस्था की स्थापना तो अप्रैल 1948 में हुई, लेकिन अगर उससे पहले हम जाएंगे तो इस तरीके की तो कोई संस्थाएं थी नहीं तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी कर पाए, लेकिन लोगों के ये अनुभव थे कि इस तरीके की बीमारियों से किस प्रकार से बचा जाए। उन्होंने अपने अनुभवों से इन बीमारियों से अपने स्तर पर और हेल्थ के फ्रंट में जो जानकार थे, डॉक्टर थे, वो इनका कोशिश करते थे समझने का कि किस प्रकार से इन बीमारियों से हम लड़ पाएं। तो मुख्य मुद्दा पॉलिटिकल सेंस में यही है कि जो जहाँ काम करना चाहिए, जहाँ एक समझ की आवश्यकता है, एक कोऑपरेशन की आवश्यकता है, इसीलिए इन संस्थाओं का आपस में इंटरडिपेंडेंस है, वो इस बीमारी के दौरान आपसी जो जो मतभेद हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं। और इससे पहले आप देखेंगे तो क्राइसिस में कभी भी आप देखते हैं तो पाते हैं कि दुनिया या लोग एकजुट होते हैं, और इस बार आप देख पाएंगे कि दुनिया आपस में बटी हुई है और एक कोई एक साथ मिल के कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहां इस बीमारी से हम लड़ पाएं या इसको इसको किस तरीके से लोगों को इस बीमारी से बचा पाएं। तो ये संदर्भ इसलिए है कि आप और भी एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि इस बीमारी से जिस प्रकार से चाइना ने काम किया, उसकी छवि अपने देश में कैसी है, तो वो अपने लोगों के बीच में किस प्रकार की छवि उत्पन्न करना चाहता है। चाहे आप देखें कि शुरुआती जब जानकारी आउट हुई थी तो जो डॉक्टर थे जिन्होंने पहले इसको रिपोर्ट किया तो उनके हरसमेंट की भी बातें उठी, लेकिन वहां से सही तथ्य हमें पता नहीं चल पाते। और अगर अमेरिका में देखें तो उनका इतना कैजुअल एटीट्यूड रहा कि वो इसकी गंभीरता को नहीं पहचान पाए, और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो अपने लोगों का ध्यान किस तरीके से हटाएं, या इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से जो मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके, और जब मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकेगा तो उनके ऊपर सीधी सीधी आंच ना आए, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम में जब कोई व्यक्ति है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ये उसकी जिम्मेदारी है उसके नागरिक, उसके समाज और उसके देश के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उसका वो किस प्रकार से मुकाबला कर पा रहा है, ये पब्लिक डोमेन का डिस्कोर्स है और उसको देखा जाता है। तो अपनी छवि का निर्माण और अपने देश की छवि के निर्माण के चक्कर में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका और चीन का ही आप देखेंगे कि इस दौरान आप देखिए कि आपस में देशों के बहुत स्तर पर रिलेशनशिप होते हैं, और ये रिलेशनशिप एक दूसरे से वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं वो प्रभावित होता है, वो एक नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये स्थिति भी अप्रत्याशित है हमारे सामने, और अप्रत्याशित स्थिति में ये कहा जाता है कि जो हमारे सारे डिफरेंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये पाएंगे कि जिस दौर में हम चले गए हैं वो दौर आपस में कोऑपरेशन से ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक, या इंडिविजुअल चाहे वो व्यक्ति के स्तर पे हो, समाज के स्तर पे हो या देश के स्तर पे हो, वो इंडिविजुअल नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं और कर रहे हैं, जिसका प्रभाव हम ये सोचे कि हम पे नहीं होता है लेकिन होता है। कैसे? अगर आप WHO के केस ही लें तो आप पाएंगे कि ये पूरी दुनिया में जिस तरीके से टीकाकरण का हम उदाहरण लेते हैं, या कोई डिजीज आउटब्रेक होता है उसकी निगरानी करना, सरकार को गाइडलाइन देना कि किस तरीके से आप इस पे काम करें, तो जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में काफी प्रगति है, वो आगे हैं, इन सब बीमारियों से डील कर सकते हैं। लेकिन विकासशील देश, खास तौर पे अफ्रीका और कुछ हद तक भारत और एशिया के कुछ देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम लोगों पे भी काफी इसका प्रभाव होता है। और किस रूप में प्रभाव होता है इसको समझने के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं कि भारत में आज पोलियो और चेचक नहीं मिलता है, तो ये भी एक समय के दौरान महामारी हुआ करती थी और आप लोगों ने देखा होगा पोलियो
किस प्रकार से एक बच्चे के जीवन को नाटकीय रूप से बदल देता है, लकवाग्रस्त कर देता है किसी अंग को, या चेचक भी जिसमें काफी मौतें हो जाती थी। महामारियों के दौरान मौत तो एक चुनौती है ही है, उसके साथ और भी चुनौतियां उपजती हैं जिसमें आर्थिक चुनौतियां भी हैं, उसकी बात हम अभी करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि एक लीडरशिप कैसे काम करती है। हम तमाम तरीके की चुनौतियां आज हमारे सामने, देश के सामने हों, लेकिन इस देश ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। कैसे? आप देखिए, चेचक को 1975 1976 के आसपास चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत ने अभियान चलाया कि इरेडिगेशन प्रोग्राम ऑफ मीजल्स, या हम कहते हैं दो बूंद जिंदगी की, पोलियो अभियान। 2014 में हम पोलियो मुक्त घोषित हो गए हमारा देश। तो ये कैसे हो गया? और अगर आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि ये रातों रात होने वाली प्रक्रियाएं नहीं है। चेचक से मुक्ति मिलने में हमें लगभग 30 साल का समय लगा। और जिस तरीके की हमारी ज्योग्राफी है, आप देखिए जिस तरीके की हमारी डेंसिटी है, कितने लोग हैं और कितने अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो कितना मजबूत एक निगरानी प्रणाली और एक लॉजिस्टिक प्रणाली, जो कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन प्रोग्राम से छूटे ना। और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी तो दिखाता ही है, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना ये संभव नहीं हो पाता, जिसमें WHO का भी बड़ा रोल है, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो लोग या जो डॉक्टर्स थे, जो हेल्थ वर्कर्स थे, अगर उनकी ट्रेनिंग और किस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है, आप 1970 1960 के दशक का भारत याद करके देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या दौर रहा होगा, सड़कों का क्या स्ट्रक्चर रहा होगा, है ना, हमारी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में काफी प्रभावित करती हैं ये चीजें। तो इस तरीके से हमारे सामने पॉजिटिव उदाहरण हैं जो भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है, और देशों में भी इस तरीके के प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन ये लोगों के साथ आने से ही संभव हो पाता है, इसका ये पक्ष मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। इसके अलावा तमाम तरीके की हैं कि चाइना का पाकिस्तान से जिस तरीके का संबंध है वो इंडिया से नहीं है, इंडिया का जिस तरीके का संबंध अमेरिका से है वो चाइना का नहीं है। तो बहुत सारे हित आपस में जुड़े हैं, व्यापारिक हित भी हैं उसमें, और अपने लोगों के लिए या अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने से रिलेटेड चीज़ें भी उसके अंदर काफ़ी चलती रहती हैं। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी प्रभावित करती हैं कि एक दूसरे की सीमाओं का क्या जुड़ाव है, और वो व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो हमारे रिलेशनशिप हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जैसा मैं कहूँ कि हम अकेले नहीं हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं। किस रूप में जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा आर्थिक रूप से बढ़ेंगे, आर्थिक मोर्चे की अभी हम थोड़ी बात करते हैं, उसमें हम ये पाएंगे कि जब जब महामारियां घटित हुई हैं पूरी दुनिया में, ये आज का ही नहीं है, तो उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती रहती है भुखमरी की, यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे, बहुत बड़ी चुनौती। आप सोचिए कि खाना सबसे पहली आवश्यकता हो जाती है तब, और समाज के कुछ लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या स्थिति हो सकती है। उसके बाद में महामारी से भुखमरी, और भुखमरी में क्या होता है, लाइवलीहुड, मतलब हम जो आजीविका करते हैं, उपार्जन करते हैं, वो इससे प्रभावित होती है। क्योंकि आपने देखा कि जो क्वारंटाइन शब्द सुन रहे हैं, आइसोलेशन शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द कोई नए नहीं है, ये 800 900 हजार साल से मौजूद शब्द है। प्लेग फैला करता था, चेचक फैला करता था, फ्लू जैसा होता था, या कुष्ठ रोग जब हो जाता था, तो लोगों को इस तरीके से आइसोलेट करने के उदाहरण आपको थ्रू आउट हिस्ट्री में मिलेंगे। और आर्थिक गतिविधियां आज के समय में चलाने के लिए इंसान को चलना पड़ता है। आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इंसान के क्रियाकलाप जब रुक जाएंगे तो अर्थ उपार्जन का पहिया भी रुक जाएगा। और पिछले मतलब 20-30 सालों में इस तरीके का पूरी दुनिया में सिस्टम बन गया है जहां पे इंसान अपने लिए खुद की चीजें बनाता नहीं है, बल्कि उसको बाजार से उपलब्ध होती हैं, वो उसके लिए कुछ पैसा पे करता है और खरीद लेता है। यानी कि अगर
जीविका प्रभावित होगी, खाने की समस्या उत्पन्न होगी और लोग बाजार से चीजें नहीं खरीद पाएंगे, तो एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। तो ये चुनौती अभी हमें इस महामारी के दौर में समझ में आ रही है। ग्लोबलाइजेशन ने सब लोगों को सशक्त किया, समृद्ध किया, आर्थिक रूप से मजबूत किया, हेल्थ के फ्रंट में भी हम लोग आगे बढ़े, लेकिन ये चुनौती अभी नई है हमारे लिए। है भुखमरी की चुनौती बहुत पहले से थी, लेकिन आज के समय में अभी हम देखेंगे तो बहुत हद तक उस तरीके से जो पुराने समय में महामारी के साथ भुखमरी से भी मौतें होती थी उसको कैटर किया गया। आप हमारे कोई समय तो ऐसा था, आप हमारे देश का उदाहरण लीजिए, 1960-65 तक तो हम अपने लोगों के खाने के लिए ही अन्न नहीं उपजा पाते थे, हमें अन्न इम्पोर्ट करना पड़ता था बाहर से। तो आप देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी का मसला हो सकता है, लोगों की रीच तक पहुंचने का मसला हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति आज की परिस्थितियों में इसलिए भूखा नहीं मर सकता है कि अनाज उपलब्ध ही नहीं है ना, अनाज की उपलब्धता है। लेकिन ये चुनौती तो हम ओवरकम कर पाए, लेकिन अब जो समाज और दुनिया बदली है उससे एक नई चुनौती आई है, वो आई है जीविका उपार्जन की चुनौती, है ना। और वो जीविका उपार्जन की चुनौती पूरी आर्थिकी अर्थ के सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो आप समझेंगे तो पाएंगे कि 30 से 40 करोड़ लोग जो हैं देश में वो डेली वर्कर या किसान या इस तरीके के लोग हैं, जो डेली कुछ उनको काम करना है और उनको मतलब जो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा और उन्हीं से उनका घर चलता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मतलब निर्माण काम करने वाले लोग हों, सड़क बनाने वाले लोग हों, सब्जी बेचने वाले लोग हों या ठेला लगाने वाले लोग हों। नौकरी पेशा लोगों को तो बहुत हद तक जिनका जॉब सिक्योरिटी है इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक और मानसिक चुनौतियां इस वर्ग को झेलनी पड़ती हैं वो शायद आप और हम लोग अंदाजा ही ना लगा पाए कि 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर चलना इस दौर में जब लोग अपने घरों में बंद हैं और ये कहा जा रहा है कि ये इस तरीके का डिस्टेंसिंग करना है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये भी सोचना चाहिए कि कितने लोगों के लिए सक्षम है। तो क्या हम समाज के स्तर पर ऐसा समाज बना पाए हैं जिनमें बहुत मतलब लोगों के पास में सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव नहीं है, खास तौर पे रहने की, खाने की, और उनको अगर बीमार हो जाएं तो हेल्थ उपलब्ध हो पाए, यानी कि हेल्थ सिस्टम हमारा किस तरीके का काम करता है। हेल्थ क्राइसिस के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, और ये चीजों को बिल्ट करने का अभी ये महामारी का दौर हमें एक नजरिया देता है कि हमारे सामने जो चुनौतियां आई हैं उनको हमें आगे आने वाले समय में प्लान करके उन पे कोशिश करके उनको मतलब लोगों तक उनका जो फायदा है वो पहुंचाने की अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप देखिए फूड सिक्योरिटी है, नरेगा जिस तरीके की योजनाएं हैं, तो ये अलग बात है कि उनका फायदा पूरा पहुंचे या ना पहुंचे लोगों तक, लेकिन ये योजनाएं वास्तव में इस तरीके की योजनाएं हैं जो हर व्यक्ति को सशक्त बनाने का काम करती हैं। तो हर व्यक्ति को सशक्त बनाएं और आर्थिक रूप से जो डिफरेंस है लोगों में, एक गरीब तबके में और एक ऊंचे आजीविका उपार्जित करने वाला लोगों में, वो डिफरेंस कैसे कम किया जाए, और वो डिफरेंस जितना कम होगा तो हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में भी स्ट्रोंग हो पाएंगे, हम लोग हमारे जो डेली नीड्स हैं लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा, खाने की व्यवस्था भी अच्छे से उपलब्ध हो पाएगी, और सबसे बड़ी बात इन सब से ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रोंग हो पाएगा। और ये सब चीजें करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम हमको बनाना होगा। तो ये इस तरीके से हम आर्थिक चुनौतियों को एक देख सकते हैं कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर आज के समय में हम लोगों के सामने बन गया है, उस स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि जो आप ये कहें कि जो डिमांड और सप्लाई वाला मामला है उस डिमांड और सप्लाई वाले मामले को बनाया जाए। क्योंकि अगर कोई मार्केट में चीज खरीदने वाला ही नहीं है तो उसको कोई बनाएगा क्यों। और पूरा आप देखिए कि इस दौरान में हम लोगों ने
सब्जियां खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, और जो किसानों ने, क्योंकि ये तो अप्रत्याशित है, एकदम से हुआ, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, और उन किसानों पे जिनकी पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई, जो पूरा 3 महीने 4 महीने एक फसल को बनाने में लगता है, आप उनकी स्थिति सोचिए, तो पूरा वो फसल का बनना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, एक ट्रक ड्राइवर मान लीजिए कोई फसल लेके गया राजस्थान से दिल्ली में बेचने जाता है, तो वो वापस अपने ट्रक को लेके आता है, तो वहां से कुछ सामान लेके आता है, तो आप सोचिए कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, कोई उसको इस दौर में क्या इतना पैसा देगा कि वो अपना खाली ट्रक वहां से ले पाए, एक पूरा सिस्टम है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है ना, लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई, लोगों का परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता घटी, तो ये पूरा का पूरा अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है वो पैकेज इसी नजरिए में है कि जो एकदम से जो गाड़ी घूम रही थी अर्थ की और हम लोगों की, वो रुक गई है। अगर हमारी गाड़ी 50-60 की स्पीड में चल रही है और एकदम से रुक जाए, तो हम एकदम से 60 की स्पीड दोबारा नहीं पकड़ सकते, तो उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, और इस समय का प्रभाव हो सकता है काफी लंबे समय तक बना रहे, तो हमें ये देखना चाहिए कि ज्यादा समृद्ध रूप से और इस तरीके के इवेंट अगर भविष्य में होते हैं, तो हमारी क्या तैयारियां रहें कि हमारे ऊपर इन चीजों का कम से कम प्रभाव हो, तो उसमें महत्वपूर्ण ये भी आ जाता है कि हम लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य में खर्च कितना है, हम लोग, हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कितना मजबूत है। अगर हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र मजबूत नहीं है, तो फिर हम लॉकडाउन करके भी इन बीमारियों से बच नहीं सकते, है ना, उनका, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी इस तरीके का है, और आपने ये भी देखा होगा कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में बहुत मजबूत देश थे, उनका हालत भी आप देख सकते हैं इस बीमारी के दौर में किस तरीके से हो गया। अमेरिका में लगभग 1 लाख लोग मारे गए हैं और 20 लाख से अधिक संक्रमित हैं, पूरी दुनिया में आप देखिए कि 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है, तो महामारियां ऐसी ही होती हैं, और लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये स्वास्थ्य सिस्टम काम नहीं कर सकता, करता है, क्योंकि पुराने दौर में जब आप जाएंगे तो आधी पॉपुलेशन, लाखों लोगों का मरना तो बहुत आम बात होती थी किसी देश में, पूरे विश्व में बात करें तो करोड़ों लोगों की जान प्लेग से चली गई है, स्पेनिश फ्लू जिसकी बात हम करते हैं, उसमें इंडिया में ही करीबन 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो ये देखना चाहिए कि हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, और ये आज जो भुखमरी की समस्या तो नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी किसी महामारी से कम नहीं है, तो हम लोगों के क्या प्रयास होने चाहिए जिससे हमारे समाज में इन चीजों का प्रभाव कम से कम हो और हम देश के स्तर पर सशक्त बन पाए, तो सशक्त तभी बन पाएंगे जब हमारी चुनौतियों को हम मिलकर सामना कर पाएंगे और एक मजबूत इस तरीके की कार्य योजना बना पाएंगे जो हमें इन क्राइसिस से लड़ने में मदद कर पाएगी, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य तंत्र को, सार्वजनिक स्वास्थ्य के तंत्र को मजबूत करने की बात हो, उस पे खर्च करने की बात हो, लोगों को अवेयर करने की बात हो, क्योंकि एक डिसिप्लिन भी चाहिए, जैसे आप जितने भी इन बीमारियों की बात करेंगे कि बार बार हाथ धोना है ना, या साफ सफाई से रहना, ये एक ऐसा नहीं है कि एक दिन में होने वाली चीजें हैं, ये हमेशा बनी, यार साफ सफाई से रहना तो हमेशा से एक प्रियोरिटी है, क्या महामारियां होंगी या बीमारियां होंगी तभी हम साफ सफाई से रहना शुरू करेंगे, तो किस तरीके से अवेयरनेस हम लोगों के बीच में हो कि हम खुद तो बीमारी से बचें और दूसरे लोगों को भी वो बीमारी होने से हम बचा पाएं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, और इसमें व्यवहार में परिवर्तन और एक ऐसा लग सकता है कि हम क्या करें, लेकिन अगर हम इस बीमारी से बचेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी निश्चित रूप से बचा पाएंगे, और कुछ प्रक्रियाएं जो हम अपनाते हैं, जैसे बाहर नहीं थूकना चाहिए है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे लोग थूकते हुए मिल जाते हैं, या इस तरीके से कि भाई आपको जहां हम रहते हैं आसपास में साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई नहीं रखते तो आप देखिए कि हम कितना कचरा निकालते हैं और उस कचरे का डिस्पोजल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो बहुत सारे स्तर हैं। इस बीमारी में हमें समाज के स्तर पर यह भी समझ में आया कि हमारे शहरों में कितना प्रदूषण है
हमारे को जो पीने का पानी मिलता है जिन नदियों से, वो हम लोगों ने कितनी गंदी कर दी है, जबकि हम उन चीज़ों को गंदा होने से बचा सकते हैं, क्योंकि वो गंदगी जो हमारे घर से बाहर गई है वो किसी न किसी रूप में लौट कर हमारे पास में ही आती है। चाहे वो बाजार से हमने जो पॉलीथीन की थैली खरीदी हो उसका उपयोग हो, या जहाँ से हमें पीने का पानी आता है और जिस फैक्ट्री का हम माल खरीद रहे हैं, हमें पता नहीं कि वो जिस तरीके का सामान बना रही है उससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो कौन से नदी या नाले में डाल रहा है, और वो आखिर में जाके उस नदी में पहुंचता है और वही पानी घूम फिर के हमारे शहर, हमारे अंदर जो है घरों के नल तक भी आता है। तो एक ऐसा मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है जिसके अंदर ये हर व्यक्ति का प्रयास हो, कि हर इंडिविजुअल का प्रयास हो, जो एक बेहतर समाज और नागरिक बनाने की दिशा में बढ़ पाए। तो ये मेरी इतनी बात इसमें थी। अभी कुछ सवाल होंगे तो लेने हैं क्या? नहीं सर। तो कुछ लोगों का ये हम लोगों को जैसे आ रहा है कि जैसे सस्टेनेबल शब्द साथियों ने लिखा है कि नेचर के साथ हम लोगों को तालमेल बैठाना चाहिए, और मार्केट जो है वो किस तरीके से चीज़ों को डिराइव करता है और एक सिस्टमेटिक चेंज की भी बात है। तो देखिए कि मार्केट इटसेल्फ हमें फिर वही है कि हमें एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है कि किसी एक मॉडल को खारिज करके हम दूसरा मॉडल लाएं, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में किस तरीके के चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो जितना भी जो डेवलपमेंट है वो करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, और पैसा किस तरीके से आप प्रोड्यूस करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किन तरीके की योजना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक मॉडल से ही आपका डेवलपमेंट का मॉडल चलता है, लेकिन आपका जो इकोनॉमी का मॉडल किस तरीके का होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये किसी देश का जो मैंने कहा पॉलिटिकल सिस्टम है वो तय करता है कि आपका मॉडल किस तरीके का हो, और जो मैंने पहले भी कहा कि जो लोगों में कम से कम डिफरेंस क्रिएट करे, और सभी लोगों के डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब उनके आजीविका के स्तर को बढ़ाए या उनके कमाई के स्तर को बढ़ा पाए, और ये कमाई के स्तर को बढ़ा पाएगा चाहे इंडिविजुअल का आप देख लीजिए या देश का देख लीजिए। आप कहते हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो हॉस्पिटल किस चीज़ से बनेगा? क्या हॉस्पिटल बनाने में इक्विपमेंट्स लाने में पैसे की आवश्यकता नहीं होती है? होती है। सड़कें हमको अच्छी चाहिए, सड़कें बनाने के लिए क्या पैसे की जरूरत नहीं है? चाहिए। तो वो सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? हम जो लोग काम करते हैं वो काम ही तो उसके लिए पैसा क्रिएट करने का एक जरिया है, साधन है। ये पैसा किस तरीके से क्रिएट करना है ये एक अलग मसला है, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर आपको अब आप देखिए कि हमें पीपीई किट खरीदना पड़ रहा है, टेस्ट किट खरीदने पड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रिसर्च नहीं होता है या हम लोगों के पास में कैपेबिलिटीज नहीं है सब करने की, हैं, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो आप, और ये कोई किट बनाना ऐसा कोई चीज नहीं है कि ये कोई मतलब साइकिल का पंचर निकालना है जो आप वैसे मतलब निकाल लेंगे बहुत आसान, बहुत एक्सपर्टीज और टेक्निकल चीजें हैं। तो इसके लिए आपको एक जो मैंने कहा एजुकेशन, यानी कि अपने लोगों को भी तो सक्षम और समृद्ध करना होगा कि हेल्थ के क्षेत्र में, ताकि
ताकि वो चीजें कर पाएं। और ये कहाँ से बन जाएंगे ऐसे, ये मशीनरी पूरी दुनिया में, हम आइसोलेशन में नहीं जा सकते, लेकिन पूरे इस ग्लोबलाइजेशन के सिस्टम में हमारे लिए बेहतर मॉडल क्या हो सकता है, हम ये तय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको रखता हूँ कि हमारे जब अधिसंख्य जनता कृषि पर आधारित है ना, कृषि से जुड़ी हुई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा मॉडल ऐसा हो जो अधिसंख्य लोगों की जीविका को बढ़ा पाए और उनके जीवन को समृद्ध बना पाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को हम हमारी कमजोरी ना मानते हुए उसको हमारे मजबूती में कैसे बदलें, ये एक थिंकिंग हो सकती है। और एक ये थिंकिंग हो सकती है कि हम बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को यहाँ लाएं, उनसे उद्योग स्थापित करें, उनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोजगार के क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी तो हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो ये बात है इसमें। और बेसिक नीड्स को करने के लिए तो सीधी सी बात है कि जितनी आमदनी होती है उसी के अकॉर्डिंग खर्चा होता है, चाहे आप हो या हमारा परिवार हो या देश हो, तो देश के पास में भी जिस प्रकार से आय होगी उसी हिसाब से उसमें खर्चा होता है। तो आप देखेंगे कि सुविधाओं के क्षेत्र में पूरी दुनिया से हम कंपेयर करें तो पीछे छूट सकते हैं, लेकिन 20-30 सालों में तो हमने काफी अपेक्षित बदलाव किए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि महामारी के संदर्भ में है, तो मैं उसी मुद्दे को रखता हूँ कि जो चेचक है वो दुनिया से कैसे गायब हो गया हमारे देश से, क्या रातों रात 30 साल लगे हमें। तो एक अगर लोगों के पास विजन नहीं होता, प्लान नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, तो ये संभव ही नहीं था। तो संभावनाएं विचारों से ही उपजती हैं, और विचारों पे जब तक काम नहीं करेंगे तो विचार की कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो मैं केवल संदर्भ यहाँ पे रख रहा था आपके सामने। तो ये देखो सारी चीजें, कई साथियों का आ रहा है कि एजुकेशन पे जोर देना चाहिए, एग्रीकल्चर पे जोर देना चाहिए सारा। तो ये सारे ऐसा नहीं है कि आज हम एजुकेशन पे जोर देंगे और कल कल हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करेंगे और परसों हम हेल्थ पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारे सेक्टर एक साथ चलने वाली चीजें हैं और पैरेलल चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आज यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो उसी समय मेरे परिवार के दूसरे सदस्य दूसरे कामों में व्यस्त हैं। तो हमारे पास में पूरा स्ट्रक्चर है ना, और उस स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि अभी तो हम केवल एग्रीकल्चर के लिए योजनाएं बनाएंगे और दूसरी चीजों को अभी हम छोड़ देंगे, हेल्थ को छोड़ देंगे, एजुकेशन को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, और ऐसा भी इस तरीके का भाव भी इसमें नहीं आना चाहिए कि हम लोग मतलब पूरी दुनिया से आइसोलेट होके कुछ करें, है ना। हमारी जो मजबूती है उसको और मजबूत करें, और दुनिया से जो लर्निंग ले सकते हैं वो लर्निंग भी हमको लेनी चाहिए, और उनका सहयोग अगर मिल सकता है तो वो सहयोग भी हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इतने लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अगर हमने कुछ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके अन्न उपजाने के तरीके बढ़ाए हैं, तो उसके साथ नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। लेकिन जब तक हमने उन चुनौतियों के बारे में सोचा ही नहीं था कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के एक्सेसिव इस्तेमाल से क्या चीज हो सकती है, जमीन बंजर हो सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं, कैंसर के केसेस बढ़ सकते हैं। तो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स पे विचार करके ही हमें चीजें अपनानी चाहिए, और अधिकतर चीजें इन हमारे स्तर से भी प्रयास शुरू हो सकता है। कहने का अभिप्राय, हमारे बहुत से साथी हैं जो पेड़ लगाते हैं, आप बताइए कि वो पेड़ लगाते हैं, पेड़ की छाया सबको चाहिए, लेकिन पेड़ लगाता कोई नहीं है, वो प्रयास ही नहीं है उस तरीके के लोगों को, कोई थैला लेके जाता ही नहीं है बाजार के अंदर जिससे हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम कर पाए,
साफ सफाई का ध्यान रखते ही नहीं है। अगर ये तो महामारी का दौर है, अगर ये नहीं होता तो इस समय देखते आपकी हॉस्पिटल डेंगू और चिकनगुनिया के पेशेंट से भरे हुए मिलते। तो वो डेंगू चिकनगुनिया कहाँ से आता है? ऐसा तो नहीं है दिल्ली का मच्छर उड़ के राजस्थान में आ जाएगा और कहाँ यहाँ के लोगों को काट के डेंगू चिकनगुनिया करेगा। हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर की नाली के अंदर क्या हो रहा है, हमारे कूलर के अंदर मच्छर ने अंडे दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। हमें सेंस ही नहीं है साफ सफाई का। हम जिस टेबल पे खाना खा रहे हैं उस टेबल पे इतनी गंदगी, हमने बैठ के खाना खा लिया और उसके साफ करने की हमारे एक सेंस ही नहीं बन पाता उस चीज का। तो मतलब आपको अपने व्यवहार में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप अपनी नजर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे कि लोगों का व्यवहार अपेक्षित नहीं है। इतना बातें करने के बावजूद भी, इसी में देख लीजिए ना, महामारी के दौर में भी किस किस तरीके की चीजें चल रही हैं पूरी दुनिया में, तो उसमें से सही फैक्ट को पता कर पाना और तथ्य तक पहुंच पाना कितना मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। एक साथी का सवाल है कि सरकार के रोल पर भी हम बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि पॉलिसीज जो बनाती है वो सरकार बनाती है, और पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने पहले भी कहा कि वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक कॉमन एग्रीमेंट बनाने की कोशिश है ताकि सभी लोगों का उसमें सहयोग अपेक्षित हो, है ना। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम का एक्सटेंशन ही डेमोक्रेसी है। तो हमारे इंडिविजुअल स्तर पर तो है ही, लेकिन पूरे देश के स्तर पर अगर सरकार का रोल अगर कमजोर है और वो पॉलिसीज को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में पीछे रह जाती हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। अगर पॉलिसीज नहीं होती तो आज शायद पोलियो हमारे बीच में से जा नहीं पाता, है ना। और पॉलिसीज नहीं होती तो जो आज हम बात करें एवरेज एज है इंसानों की, वो नहीं बढ़ पाती। आज हम एवरेज एज देखें तो 68 साल है, और 66 साल पुरुषों की और महिलाओं की 68 साल है। तो एवरेज एज भी पिछले 20-30 सालों में हम लोगों की बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा है। तो ये सब पॉलिसीज के कारण ही हो पाता है, बिना पॉलिसीज के बड़े रिफॉर्म्स हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में करीबन 8, 10, 15 लोगों का स्टाफ है। अब स्टाफ है, लेकिन क्या सरकार ने वो जो सेंटर खोला है और उस सेंटर में जो लोग काम करते हैं, क्या उन्होंने विश्लेषण या चिंतन किया है कि क्या उसकी सार्थकता को वो सुनिश्चित कर पा रहे हैं? क्या उस गांव के लोगों को वो जो सुविधाएं देने के लिए वो सेंटर खोला गया है तो वो क्या उपलब्ध हो पा रही हैं? तो ये मेरा ही नहीं, मतलब हर व्यक्ति और नागरिक के आत्मचिंतन का विषय है। उसे सोचना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को किस रूप में निर्वहन कर रहा है, ना कि सीधे सीधे हम सरकार के अपेक्षा। अगर मान लीजिए ये फूड सिक्योरिटी वाला बिल नहीं होता, जो राशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, आप देखिए कि मैंने पहले भी कहा डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौती हो सकती है, लेकिन राशन की कमी के कारण किसी को राशन नहीं मिले, ये चुनौती आज हमारे सामने नहीं है। तो ये पॉलिसीज से ही संभव हो पाता है, बिना पॉलिसीज के तो हम कर ही नहीं पाते। तो इसको और भी आगे विश्लेषण हम जारी रख सकते हैं, और क्योंकि आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में चीजें बदल रही हैं और उन चीजों के बदलाव का प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों, क्योंकि आप देखिए कि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहने वाला है पूरी दुनिया में, और लोगों को इसी बिहाफ पे, चाहे हम लोग हों या हमारा समाज हो या हमारा देश, इसी बिना पे या इसी आइडिया पे रिकॉल किया जाएगा कि उन्होंने इस संकट के दौरान कैसा काम किया था। आज हो सकता है हम काम के विश्लेषण में कुछ कमियां या कुछ अच्छाइयां गिना पाएं, लेकिन जब इस महामारी जैसे तूफान आता है, तूफान आने के दौरान हम पूरा विश्लेषण नहीं कर पाते कि कितना नुकसान कहाँ कहाँ कैसे हुआ। जब तूफान गुजर जाता है तब हमें पता लगता है कि क्या चीज़ें तो हम अच्छी कर पाए और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तूफान भी गुजर जाएगा, और इस तूफान के गुजर जाने के बाद सभी लोगों को
अगर कुछ लोग छूट जाए सरकार में भी, जिस तरीके से आप लोग याद दिलाते रहते हैं, वैसे याद दिलाते रहना पड़ेगा कि ये चुनौती है और इस चुनौती पे हम लोगों को काम करना चाहिए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की परिचर्चा में जुड़ने के लिए और इसे सार्थक बनाने के लिए। धन्यवाद।